कुछ दिन पहले की बात है, मैंने जूलिया को अपने पास बुलाया। वह मेरे बच्चों की देखभाल करती थी और उन्हें पढ़ाती भी थी। जूलिया जब कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं। मेरे विचार से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूं, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूं। हां तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। जूलिया कुछ बोल ना पाई। हां, तुम्हें हमारे यहां काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तब बनेंगे जब महीने में एक भी छुट्टी ना ली हो। तुमने रविवार को छुट्टी की है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, है ना? जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हां, तो 9 रविवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो इस तरह तुम्हारी कितनी छुट्टी हो गई? 12 और 7, 19 नागे। हां तो भाई, घटाओ 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से खांसा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हां, एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तो ज्यादा है, पर मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना? उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तानिया के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हां, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, 41 में से घटाओ 27 तो बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसकी आवाज कांपने लगी,
वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। अब ये लो 11 रूबल, देख लो, पूरे है ना। जूलिया ने कांपते स्वर में धन्यवाद कहा और रकम लेने के लिए हाथ बढ़ाया। यह देख मैं गुस्से से आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आप मुझे पैसे दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया, मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। मैंने 11 रूबल जो मैं उसे दे रहा था अपनी जेब में रखे और जूलिया से कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है। इतना कहकर मैंने दूसरी जेब से 80 रूबल निकालकर मेज पर रखे। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। अब जूलिया के हैरान होने की बारी थी। उसने दबे स्वर में पूछा, क्या? जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू और भीरू बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, चुपचाप सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। जूलिया ने मेज पर रखी रकम ले ली। वह कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आंखें